महिंद्रा स्कॉर्पियो इंडियन यूथ में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कार। और अगर बात करें इस कार के ब्लैक कलर की, तो दोस्तों वो आपको मूवीज़ में इस कार की ऐसी हाइप बना दी गई है कि ये कार गैंगस्टर्स की कार है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इस कार के एनकैप की रेटिंग्स की, तो इस कार को एनकैप में 0 स्टार मिले हैं और सेफ्टी रेटिंग्स के मामले में ये कार बिल्कुल 0 है। लेकिन कुछ कमी होने के बावजूद भी इस कार की इंडिया में जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। दोस्तों इसके पीछे वजह है महिंद्रा का बड़ा नाम, और उसी के साथ साथ इस कार के जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी इस जो वेरिएंट में आते हैं और इस प्राइस रेंज में पहले आते थे वो काफ़ी अच्छे थे। और बॉडी तो आप इस कार की देख ही सकते हैं कि ये कार देखने में कितनी मस्कुलर लगती है। लेकिन दोस्तों महिंद्रा ने अब अपनी ही कार का कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया है और XUV700 को लॉन्च करके मार्केट में यह दिखा दिया है कि कम से कम प्राइस लिस्ट में हमें जो ऑडी और मर्सिडीज जैसे फीचर हैं वो भी कार में मिल सकते हैं 20 लाख जैसे छोटे प्राइस रेंज में। तो दोस्तों स्कॉर्पियो को कोई क्यों खरीदेगा जब हमें 20 लाख में एक ऐसी कार मिल रही है महिंद्रा की तरफ से ही, और महिंद्रा की पावर के साथ ही, जिसमें कि 50-60 लाख 80 लाख वाली गाड़ियों के फीचर मिलते हैं, तो स्कॉर्पियो को कोई क्यों लेगा। लेकिन दोस्तों तब भी इस कार की जो परचेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है और जब भी लोग इसे खरीद रहे हैं। लेकिन अब महिंद्रा इस कार का एक नया वेरियंट 2022 में लॉन्च करने वाली है और ये जो इसका फेसलिफ्ट वर्जन है पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा, और इस कार को भी उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है जिसको महिंद्रा XUV700 पर किया गया है। और अगर बात करें लोगों की, तो दोस्तों महिंद्रा का जो प्रीमियम लोगो XUV700 में हमें देखने के लिए मिलता है, वही लोगो इस नई स्कॉर्पियो 2022 में भी हमको देखने के लिए मिलेगा। इस कार की जो चर्चा है दोस्तों वो इस वजह से भी काफ़ी तेज हो गई हैं क्योंकि महिंद्रा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम से एक फ़ोटो पोस्ट किया और वो फ़ोटो था किसी कार की फ्रंट ग्रिल का। दोस्तों ये कार कौन सी है, महिंद्रा ने पूछा कि आप गैस करिए कि ये कार कौन सी है। दोस्तों देखने में ग्रिल और लोगों से तो यही लगता है कि X700 है, लेकिन दोस्तों कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नई महिंद्रा की स्कॉर्पियो है ये उसका भी फ़ोटो ग्रिल का हो सकता है, और महिंद्रा ऐसे ही इसी ग्रिल और लोगों के साथ इस नई स्कॉर्पियो को लॉन्च करने वाली है। लेकिन दोस्तों महिंद्रा ने इस कार को लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग कर ली है और जो इसके फोटोज है वो भी रोज आते रहते हैं। इस कार को स्पाई काफी ज्यादा किया जा रहा है और महिंद्रा इसके एक के बाद एक टेस्ट कर रहा है, वहीं पर इस कार के जो स्पाई शॉट्स हैं वो आते रहते हैं। दोस्तों इस कार में हमको काफ़ी सारे शानदार फीचर देखने के लिए इस बार महिंद्रा की तरफ से मिलने वाले हैं, और ये कार कोई 700 यानी कि XUV700 से कम नहीं रहने वाली, बल्कि उससे भी ज़्यादा फीचर्स के साथ ये कार लॉन्च होने वाली है। दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो में हमें एक कमी हमेशा महसूस होती थी सेफ्टी से अलग, वो कमी थी सनरूफ की, और महिंद्रा इस नई कार में एक बड़ा पैनारोमिक सनरूफ भी इस बार दे सकता है। साथ ही साथ इस कार के लुक्स तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो पावर इस कार की वो भी कम नहीं रहने वाली, और इस कार में हमें 2.0 या 2.2 लीटर का जो डीजल और पेट्रोल इंजन है वो दोनों ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि कंपनी इस कार को सिर्फ और सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही लॉन्च करे, क्योंकि दोस्तों जो महिंद्रा का डीजल इंजन है वो काफी रिफाइंड है और काफी अच्छा और पावरफुल इंजन है। अगर बात करें इस कार के टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स की, तो इस कार में हमें सारी चीजें वो देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि ADAS टेक्नोलॉजी, जिससे कि हमारी जो ड्राइव है वो काफी आसान हो जाती है। उसी के साथ साथ लेन असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा और काफी सारे फीचर इस कार में हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो इसका फ्रंट लुक है दोस्तों, उसमें हमें फोग लैंप्स और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स के साथ जो इसमें DRLs हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जो दोस्तों एक कमी 700 में अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, उसमें उन्होंने काफ़ी बड़ा जो 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो तो दे दिया है, लेकिन जो उसका एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है वो अभी तक वर्क नहीं कर रहा, और वहाँ पर अभी तक उसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम में कमिंग सून लिखा हुआ आता है। तो दोस्तों महिंद्रा जल्द से जल्द उसको सही कर लेगा, और उसी के साथ साथ वही इंफोटेनमेंट सिस्टम इस स्कॉर्पियो 2022 में भी महिंद्रा दे सकता है, और इस कार में भी आपको 10.14 इंच का जो फुल HD+ इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टीरियो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। जो पुरानी ओल्ड स्कॉर्पियो आती है दोस्तों, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिसिंग हैं, लेकिन जो उसकी प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन इस कार की जो प्राइस है वो भी दोस्तों इस बार काफ़ी हैरान करने वाली हो सकती है।
क्योंकि महिंद्रा हमेशा से चाहता है कि वो कम से कम प्राइस में अच्छी से बेस्ट इंडियन कार्स कस्टमर्स को दे। उसी के साथ साथ अगर बात करें इस कार की दोस्तों लॉन्च की, तो दोस्तों महिंद्रा जो 700 अभी लॉन्च हुई है, जो उसकी डिलीवरी डेट है, वो दोस्तों लोगों अगर आप आज बुक करते हैं तो आपको 2023 में जाकर उसकी डिलीवरी मिलेगी। तो दोस्तों ऐसे माहौल में अभी महिंद्रा इतना लोड नहीं लेना चाहती है, और इतना वर्कलोड के साथ अगर इस कार को भी वो लॉन्च कर देती है और इस कार की भी जो सेल है वो ऐसे ही हो जाती है, तो दोस्तों कस्टमर्स को काफ़ी परेशान होने वाली चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, और इस नई स्कॉर्पियो के लिए काफ़ी उन्हें वेट भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगने वाला है, ये कार कब तक लॉन्च होगी, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं जो आपको इस कार में चाहिए दोस्तों, वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस कार के बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर वीडियोज़ में बता दूंगा। तो मेरे चैनल अगर ऑटो राइड पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कार के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल ऑटो राइड को।